हाय एवरीवन दिस आज हम बात करेंगे की जिनको मैं हमेशा आप बोलती हूँ आई एस ओके अब एक स्पीशीज है यहाँ पे जो नेशनल पार्क्स में इतनी तेजी से फैल रही है और इससे टाइगर की पॉपुलेशन को भी खतरा है कैसे क्या लिंक है uh, प्लांट का या एक फ्लावर का टाइगर के साथ बिकॉज ऑब्वियसली टाइगर डो नॉट कंज्यूम ग्रासेज प्लांट्स और एनी थिंग दे आर नॉट हर्बी वोड्स तो किस तरीके से टाइगर को खतरा हो सकता है ये डिटेल में हम इसके बारे में जानेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आई फील टूगैदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस तो यहाँ पे देखिए इन्वेसिव एलियन स्पीशीज जो इंडियन नेशनल पार्क में बढ़ते जा रहे हैं और टाइगर्स के लिए खतरा है तो so, यहाँ पे जिस स्पीशीज की मैं बात करी है, वो है लेंटाना तो यूपीएससी समटाइम्स आस्क अबाउट दीज स्पीशीज बाय देयर नेम सो यू शुड नो दिस इज लंटाना और फोटी परसेंट इंडिया की टाइगर हैबिटाट में ये अभी पाई जा रही है और थ्रेट कर रही है टाइगर की पॉपुलेशन को अब पहली बात तो आप जान लीजिए कि ये इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ क्या होते हैं सो so ये वो स्पीशीज़ हैं जो किसी जगह के नेटिव नहीं हैं यानी ओरिजिनली ये उस जगह नहीं पाए जाते कहीं बाहर से आए हैं अब कहीं बाहर से आए हैं तो ये एक दुश्मन की तरह हैं उस इकोसिस्टम के लिए तो दिस इज़ एन इकोसिस्टम यहाँ पे अलग अलग तरह की वैरायटी के प्लांट्स एनिमल्स सब डिफरेंट स्पीशीज़ पाए जाते हैं नाउ दिस इज़ अ स्पीशीज़ जो यहाँ पे कभी नहीं पाया जाता था अचानक से यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया किसी भी तरीके से चाहे किसी ने जान के किया या चाहे आ, गलती से हो गया बट एक बार हो गया तो इनमें इस तरह के कैरेक्ट्रिस्टिक्स होते हैं कि कुछ भी खा लेते हैं किसी भी न्यूट्रिएंट पे जी लेंगे और अपनी पॉपुलेशन आगे बढ़ाते जाएंगे तो इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जाएगी जब इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जाएगी जो वहाँ के ओरिजिनल प्लांट्स वहाँ के एक्चुअल में रहने वाले नेटिव प्लांट्स या स्पीशीज़ हैं उनके साथ इनका कंपटीशन शुरू हो जाएगा जब तो वहाँ के नेटिव स्पीशीज़ के साथ कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगा क्योंकि ये तो कुछ भी खा लेंगे लेकिन बाकियों की स्पेसिफिक नीड्स हैं तो उनको खाना कम पड़ जाएगा उनकी कंडीशंस ख़राब होने लग जाएंगी राइट right. तो ये यहाँ पे ग्रो करते जाएंगे और नेटिव स्पीशीज़ को हार्म करते जाएंगे क्योंकि उनको वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी उनका आप कह सकते हैं कि उनकी चीज़ें ये चोरी कर लेंगे तो उनकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी सो so, अब आप सोचेंगे कि टाइगर से क्या कनेक्शन है टाइगर से यही कनेक्शन है इस लाटना का कि अगर ये किसी एरिया में फैलता जा रहा है फैलता जा रहा है तो वहाँ के ग्रास स्पीशीज़ जो है जो प्लांट्स हैं नेटिव उनको नुकसान होगा जब ग्रास और प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो जो वहां के अः ये प्रे है शिकार जो टाइगर का है राइट जो हरबी एनिमल्स हैं हरबी वोरस हैं वो क्या खाएंगे वो तो इस पर फीड नहीं कर पाएंगे ना दे आर नॉट न्यूट्रिशियस उनको ग्रास चाहिए प्लांट्स चाहिए अलग अलग हर्बी वर्स का अलग अलग डाइट्स है तो वो उनका पॉपुलेशन कम हो जाएगा जब हर्बी वर्स का पॉपुलेशन कम होगा तो टाइगर क्या खाएंगे तो ये पूरा प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप इकोसिस्टम का बिगड़ जाएगा तो अल्टीमेटली अगर टाइगर को खाना नहीं मिलेगा तो उनका पॉपुलेशन भी कम होता जाएगा सो दिस इज हाउ द होल स्टोरी इज कनेक्टेड बट हियर वी आर गोइंग टू डू द एनालिसिस इन डिटेल कि ये लांड ना कमारा कैसे नुकसान कर रहा है एक तो एलियन स्पीशीज़ है किस तरीके से ये नुकसान कर रहा है पहली बात ये एक डेकोरेटिव प्लांट है तो आई थिंक डेकोरेशन की तरह ही इसको कभी इंडिया में लाया गया होगा और 2020 में ही एक स्टडी हुई जहां पे बताया कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और इकोसिस्टम की फंक्शनिंग को नुकसान पहुंचा रहा है वहाँ की जो इंडिजीनियस स्पीशीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है डब्ल्यू क्या है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उन्होंने देखा कि लांटना के साथ साथ पोजोस्टमॉन तो बेंगोलस ये दोनों मिलके सिग्निफिकेंट डिक्लाइन जो नेटिव प्लांट्स या प्लांट्स हैं प्लांट्स हैं या ग्रासेस हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं कहाँ पे कान्हा टाइगर रिजर्व कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है मध्य प्रदेश में है तो देखिए कितना खूबसूरत दिखता है देखने में कितना खूबसूरत है लंटाना ये हमारा एक डेकोरेटिव प्लांट है बट अदरवाइज इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द इकोसिस्टम दिस पर्टिकुलर पोजोस्टिमोन बेंगोल नाउ अब इससे क्या होगा तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया कि फूड चेन आपकी इसी तरीके से वर्क करती है यू हैव प्लांट्स ग्रासेस बोल लीजिए उनको हर्बी वोर्स खाएंगे राइट हर्बी वोर्ड्स को कार्नी वोर्स खाएंगे तो सब कनेक्टेड अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो अल्टीमेटली कार्निवर्स यानी जो टाइगर्स हैं एपेक्सप्रीडेटर्स हैं लेपड्स हैं उनको नुकसान होगा तो ये फ्यूचर डिक्लाइन हरबी वोर्स का इन लैंडना इन एलियन स्पीशीज़ की वजह से हो रहा है और डायरेक्ट इन्फ्लुएंस वहाँ के मैमल्स पे पड़ रहा है जिससे प्रिडेटर्स जैसे लेपर्ड्स या टाइगर्स हैं उनकी पॉपुलेशन पे फ़र्क पड़ेगा ये जर्नल के पेपर होते हैं तो देखिए रिसर्च स्टडीज़ में भी इस तरह की स्टडीज़ की बात की गई है एलियन स्पीशीज़ किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं कॉम्पिटिशन ग्रेजिंग बायोफाउलिंग डिजीज़ ट्रांसमिशन सो इन्वायरमेंटल सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स इनके नेगेटिव ही होते हैं इकोसिस्टम के लिए ई वॉन्ट टू रिम्बर इंडिया में ऑलरेडी अगर आप देखेंगे बहुत सारे इन, आ, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज का खतरा है राइट इंडिया सेकेंड मोस्ट इस तरह की कंट्री है जो सबसे ज्यादा नुकसान सहती है इन्वेसिव एलियन स्पीशीज की वजह से यू एस इज नंबर वन आफ्टर दैट इंडिया इंडिया का ऑलमोस्ट इकोनॉमी को जो नुकसान हुआ है लास्ट सिक्सटी ईयर्स में एट पॉइंट थ्री ट्रिलियन का नुकसान इन इन्वेसिव स्पीश की वजह से हो चुका है 2010 की स्टडी ये बोलती है जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है लैंड यूज चेंज हो रहा है सो तो ये प्रॉब्लम आने वाले समय में इंक्रीज ही होती जाएगी काना के इरोजन की बात करें तो इन लांटना और ये बेंगोलेंसिस की वजह से होने वाले जो नुकसान है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं ऑन एन एवरेज अगर दो इंडिविजुअल स्पीशीज़ uh, हम लूज़ कर रहे हैं ंगल इन्वेशन दस परसेंट भी इन्वेशन इंक्रीज होता है तो कोई दो इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल स्पीशीज का नुकसान हमको हो रहा है ग्रासेस जहाँ पे ग्रो करते थे हरबेश वेजिटेशन जहाँ पे ग्रो करती थी वो ग्रो ना करके वहाँ पे ये इन्वेसिव स्पीशीज ग्रो कर रहे हैं तो नुकसान तो होगा ही होगा उसके बाद ये न्यूट्रिएंट्स के लिए कॉम्पीट करते हैं जो ग्रासेस या प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स यूज करें वो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ खा जाते हैं तो प्लांट्स और ग्रासेस को नुकसान होगा जब ग्रासेस ही नहीं रहेंगे तो ये जो इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं इनके लीव्स बचेंगे जिनमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है झारखंड के रिसर्चर्स ने भी देखा आने वाले समय के लिए वॉर्न किया कि जिस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा ये जो है इसका पॉपुलेशन इंक्रीज होता जाएगा तो बहुत अर्जेंट जरूरत है इस वक्त कि हम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज जो हैं लेके आए हम किस तरीके से काम कर सकते हैं देखिए इनवेसिव एलियन स्पीशीज इंडिया में आ रहे हैं सबसे बड़े रीजन क्या है ट्रेड अनवांटेड तरीके से यहाँ पे आ जाते हैं या वॉन्टेड तरीके से भी इंटेंशनली भी हैबिटेट हो रहा है पेड़ हम काट रहे हैं इट रोड बिल्डिंग्स कर रहे हैं वहां पे डेकोरेटिव स्पीशीज लगाए जा रहे हैं सो दीज आर द मेजर रीजंस अब इंडिया का बैटल लांटना के साथ कैसे है देखो ये टॉप टेन मोस्ट स्पीशीज में आता है एक्शिय खतरनाक है 200 साल पहले इंडिया में आया था ये साउथ अमेरिका से इसको डेकोरेटिव प्लांट करके लेके आए थे तो इस मैप में आप देख सकते हो इंडिया का कि लांटना कैमरा किस तरीके से इन्वेशन जो है करते जा रहा है जहां ब्लू कलर का वहां पर लो इन्वेशन है जहां रेड कलर का है वहां यू कैन अंडरस्टैंड कि इन्वेशन बहुत ज्यादा है इसका अब दिक्कत का है ना हमारे फ्रेमवर्क में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारे पास कोई प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है जो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज की प्रॉब्लम को फिक्स कर सके इतने साल हो गए लेकिन हम एक प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं ला पाए ऑल् अभी हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया है दो में इन्वेसिव एलियन स्पीशीज के लिए Uh, उनका डेफिनेशन भी हमने यहाँ पे दिया है दोस्त विच आर नॉट नेटिव टू इंडिया जो इंडिया के नहीं हैं और बाहर से आए हैं और हमारे वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट को एक तरह का खतरा है अब ये अमेंडमेंट एक्ट जो है फर्स्ट अप्रैल से लागू होगा सो so प्रॉबली हम प्रोहिबिशन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड प्रोलिफरेशन के लिए कोई रूल्स लेके आएंगे बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि इंडिया का जो हमने डेफिनेशन यहाँ पे एलियन स्पीशीज का दिया है ये यू एन से ही इंस्पायर होके हमने लाया है बट द डेफिनेशन इज़ टू नैरो डेफिनेशन भी नैरो है क्यों नैरो है जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पॉजिस्टिमॉन की कि हम बोल रहे हैं कि ये बहुत खतरा है नेशनल पार्क्स के लिए ये भी इन्वेसि एलियन स्पीशीज़ है लेकिन ये इन्वेसिव एलियन स्पीशीज की लिस्ट में ही नहीं है इंडिया के क्यों? क्योंकि ये वेस्ट बंगाल का नेटिव स्पीशीज है लेकिन ये सेंट्रल इंडिया में फैल गया जहां पे तबाही मचा रहा है लेकिन बिकॉज वेस्ट बंगाल का नेटिव है तो इंडिया का नेटिव हो गया तो हमने इसको एलियन स्पीशीज में नहीं रखा सो वी द डेफिनेशन ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीशीज ऑल्सो प्लस मैनेजमेंट के लिए भी ड्राफ्ट पॉलिसी के लिए लानी है जिसमें कब से बात हो रही है कि हम पॉलिसी लेके आएंगे लेके आएंगे, ले आएंगे लेकिन ना ही अभी तक कोई ड्राफ्ट आया है ना ही कोई पॉलिसी अभी तक मटेरियलाइज की गई है सो मेजर चैलेंज क्या है अगर लांडना की बात करें तो गवर्नमेंट इसको किस तरह से मैंटेन करने की कोशिश कर रही है कि इसको उखाड़ दो लेकिन उखाड़ने से क्या प्रॉब्लम है फिर से वहां पे कभी ना कभी कोई रूट रह गया कुछ रह गया तो फिर से ग्रो कर जाएगा तो अगर हम इसको किसी एरिया से वे फॉरवर्ड यही है कि अपरूट कर भी रहे हैं तो पोस्ट अपरूटिंग uh, भी हमको मॉनिटर करना है कि ये फिर से ग्रो ना करे ताकि वहां पे इनफ टाइम रहे कि नेचुरल ग्रास जो या प्लांट्स एरिया के हैं वो ग्रो करें तो राइट नाउ दिस इज द प्रॉब्लम कि अपरूटिंग करते हैं और मैन पावर इज आल्सो वन बिग प्रॉब्लम कि हमेशा मैन पावर होगी या नहीं होगी दैट इज ऑल्सो इन क्वेश्चन जो कि इसको अप्रूट करे तो बहुत ही ज्यादा मैनुअल काम भी आपको नजर आएगा अप्रूटिंग का देखिए लैंडेना मैनेजमेंट की कर रहे हैं फिर बोला कि रूट स्टॉक मेथड से इसको अप्रूट करो अब ग्रासलैंड मैनेजमेंट बांदीपुर का एक अच्छा एग्जाम्पल है बांदीपुर टाइगर रिजर्व में लेंटेना इन्वेजन बहुत ज्यादा सिवियर है वहां पे इन्होंने बोला कि दस हेक्टेयर में लैंटेना पर ईयर जो है उसको रिमूव करेंगे फेस वाइज मैनर में ताकि वो रीग्रोथ ना करे तो रीग्रोथ ना करे इसके लिए पोस्ट मॉनिटरिंग अप्रूट करने के बाद भी आपको मॉनिटरिंग जरूर करनी है वहां पे। सो so, अल्टीमेटली अगर आप चाहते हैं आपके मैनेजमेंट सर्विसेज एलियन इन्वेसिव एलियन स्पीशीज के लिए वर्क करें तो और भी चीजों पे काम करना पड़ेगा अगर आप अप्रूटिंग कर रहे हैं तो साथ साथ आपको फ्रेगमेंटेशन रोकनी पड़ेगी ग्राउंड वाटर डिप्लीट ना हो ताकि बाकी के नेटिव uh, जो प्लांट्स या स्पीशीज हैं उनको नुकसान ना हो सो so, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मिल के काम होगा तभी ये चलेगा सो so, एक और यहाँ पे मैं आपको बहुत अलग एग्जाम्पल देती हूँ कि आप अप्रूव कर रहे हैं इन्वेसिव स्पीशीज़ को गुड लेकिन जैसे कॉर्बेट इन काजीरंगा है बहुत ही प्रोडक्टिव फॉरेस्ट है यहाँ पे जो इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं प्लांट्स के स्पेशली मेगा हर्बीवोल्स जो हैं हमारे बड़े एनिमल्स जो हैं जैसे एलिफेंट्स एंड राइनोस वो इन इन्वेसिव प्लांट्स पे फीड करते हैं ये उनके डाइट का पार्ट है तो ये भी एक सोल्यूशन है एक तो आप अप्रूट कर रहे हैं फिर अगर कहीं बच्चे खुचे हैं तो उनको ये जानवर खा जाते हैं तो इन्वेसिव स्पीशीज वहां पे इतने नहीं फैलते तो यस द वे फॉरवर्ड इज इंटीग्रेट मैनेजमेंट की हर एक प्रैक्टिस को साथ में लेके आओ नेचर बेस्ड सोल्यूशंस भी लेके आओ ताकि आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत ना पड़े मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन भी रहे और मैनेजमेंट भी अच्छे से हो नेचर बेस्ड सोल्यूशंस भी हो तभी हम इन इन्वेसिव एलियन स्पीशीज से छुटकारा पा पाएंगे तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं फिलहाल ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट चल रहा है वीरो यूपीएससी कोड पे अगर आप चाहते हैं मैं आपको पर्सनली मैंटॉर करूँ आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं लेट मी नो ऑन माई टेलीग्राम चैनल बीस परसेंट ऑफर भी चल रहा है एंड बैचेस हमारे जैसे थर्टीन से शुरू हुआ है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जीरो परसेंट ई है पॉकेट फ्रेंडली आप इंस्टॉलमेंट्स पे जीरो परसेंट पे ई एम पे ये कोर्स ख़रीद सकते हैं ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहें तो ऑप्शनल भी शुरू हो गया नेक्स्ट बैच भी शुरू हो चुका है अगेन मेरा कोड वीरो यू यूज़ करके आप यहाँ पे एडमिशन ऑफलाइन सेंटर में भी ले सकते हैं थैंक यू सो मच